सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम हिंदी में बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय पैसे का आदान प्रदान का सिस्टम। थोड़ा सा ना समझे वाला बात था, पर इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज ऑल अबाउट दिस ओनली कि आप इंटरनेशनली शुरुआत से लेकर अभी तक, फ्रॉम द पास्ट डिकेड्स अभी तक कैसे चलते आ रहा है इंटरनेशनली मॉनिटरी सिस्टम, कैसे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक तो आप भी जानते होंगे, अभी मैं उस पर दोबारा से रोशनी और प्रकाश डालूंगा ताकि आपको दोबारा से वो सब एक बार याद आ जाए। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप्स के होते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, कौन कौन से कब से चले आ रहे हैं, उसके बाद देख के करके मैं आपको समझाता हूँ। और थ्योरी पार्ट का जहाँ तक बात है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उसको चेकआउट करना ना भूलें। और बाद में मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर भी लेके जाऊंगा कि कौन सा थ्योरी आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो कि आप अपने असाइनमेंट्स या प्रेजेंटेशन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम्स हैं तो वो थ्योरी ज़रूर 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 पढ़ें। तो आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ हमारे चार टाइप के अभी तक चलते हुए इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। तो ये लीजिए हो गया है, चारों के चारों मैंने लिख दिया इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो पहले डिकेड से लेके अभी तक चलते आ रहे हैं। तो आइए इनको एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर आपको थ्योरी नहीं याद होती है तो ये आप समझा हुआ चीज़ भी आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ये क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड 1875 से लेके 1914, मतलब जब तक वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक चल रहा था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कहता क्या था? गोल्ड स्टैंडर्ड एक्चुअली यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स से डोमिनेटेड था, सारा राज्य उसी के हाथों में था, इंग्लैंड और ये सब कंट्रीज में, पूरे यूके का यहाँ पर राज चल रहा था गोल्ड स्टैंडर्ड के समय। तो होता क्या यार ये था कि गोल्ड स्टैंडर्ड का सिंपल लॉजिक था कि अपने कंट्री को जो जितना अमाउंट का करेंसी प्रिंट कर रहा है उतना उसको गोल्ड रिजर्व रखना ज़रूरी है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड कहता था, जो कि ये अभी भी फॉलो होता है। तो मैं बताऊंगा क्यों फॉलो हो रहा है और कैसे फॉलो हो रहा है, लेकिन आप गोल्ड स्टैंडर्ड को जानिए पहले। तो गोल्ड स्टैंडर्ड ये कहता है कि एक कंट्री को उतने अमाउंट का रिजर्व्स इन गोल्ड रखना ज़रूरी है जितने का वो करेंसी प्रिंट करना चाह रहा है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड कहता था, और उस समय सारे ट्रांजैक्शंस गोल्ड के रेशियो के हिसाब से ही होते थे। सारे कंट्रीज़ का एक रेशियो बना हुआ था कि एक ग्राम गोल्ड का हिसाब से मेरे करेंसी का इतना वैल्यू, ₹2 में मैं एक ग्राम गोल्ड खरीद लूँगा, $1 में मैं 1 किलो गोल्ड ले लूँगा, 5 येन्स में मैं 200 ग्राम गोल्ड ले लूँगा, और ऐसे ऐसे डिफरेंट करेंसीज के रेशियो सेट थे पहले से गोल्ड स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले से एक चेन सिस्टम बना हुआ था कि अगर आपको इंटरनेशनली ट्रांजैक्ट करना है तो आपको अपने मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से गोल्ड में ट्रांजैक्शन करना होगा, और गोल्ड के हिसाब से आपके करेंसी का एक रेशियो बना हुआ था कि कितने प्राइस में कितना गोल्ड होना चाहिए। तो ये था पहले आपका गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरा आता है इंटरवॉर पीरियड। इंटरवॉर पीरियड कब आया? तो जब 1915 यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और ये चला कब तक? 1944 जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। तो इंटरवॉर पीरियड था क्या? गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसके हिसाब से कोई किसी ने भी कोई रूल नहीं माना गोल्ड स्टैंडर्ड का। उसके बाद सारी कंट्रीज अपने अपनी मानने लगी, अपनी अपनी चलाने लगी, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, एंड ऑल टाइप ऑफ देयर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो उनकी अपने चलाने वाली आदत गई नहीं, और उसके वजह से वो कभी कोई स्टैंडर्ड रहा ही नहीं इंटरवॉर पीरियड के समय, हर समय फ्लक्चुएटिंग रहा। लेकिन जो नहीं बदला वो था गोल्ड। गोल्ड हर जगह वैल्यूएबल था, यहाँ भी वैल्यूएबल और फ्यूचर में भी वैल्यूएबल रहा, क्योंकि इंटरवॉर पीरियड में कुछ मॉनिटरी सिस्टम तो बचा नहीं था, तो जो ट्रांजैक्शंस हो भी रहा था वो गोल्ड के थ्रू ही हो रहा था। तो तीसरे की अगर बात करें वो है ब्रिटेन वुड सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटरवॉर पीरियड मतलब कि वर्ल्ड वॉर टू ब्रोक आउट हुआ, मीन्स ख़त्म हुआ, एक्चुअली क्लोज आउट हुआ,
तो ब्रेटन वुड सिस्टम आया जहाँ पे 1945 टू 1974 तक चला। और ब्रेटन वुड सिस्टम था किसका, तो यूएस का था, यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसने उस समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी। तो ब्रेटन वुड सिस्टम कहता क्या था एक्चुअली, ब्रेटन वुड सिस्टम के हिसाब से इट वॉज लाइक अ डोमिनेंस बाई यूनाइटेड स्टेट्स कि मैं जो चाह रहा हूँ वही होगा और कुछ नहीं। तो हुआ क्या एक्चुअली, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक सेट कर लिया था कि यूएस डॉलर्स के हिसाब से हर करेंसी का ये एक रेशियो है, जो पहले गोल्ड के साथ होते आ रहा था वो शुरू होने लग गया यूएस डॉलर्स के करेंसी के साथ। तो ब्रेटन वुड सिस्टम में यही कहा गया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ ब्रेटन वुड सिस्टम शुरू हो गया, और उससे क्या हुआ कि यूएस डॉलर्स के हिसाब से करेंसी का एक रेशियो बढ़ गया कि वन डॉलर्स के हिसाब से, जैसे अभी भी यही फॉलो हो रहा है कि यूएस डॉलर्स वन इज इक्वल टू 73.74 रुपीज़, ऐसे ही यूएस डॉलर्स के हिसाब से सबका करेंसी बटा हुआ है। तो वही ब्रिटेन वो सिस्टम पहले चल रहा था, जो कि उस समय भी बहुत सारे कंट्रीज को पसंद नहीं था, जिसके वजह से ये बंद हो गया। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आता है जो हम लोग अभी चला रहे हैं, जो कि है प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, IMS का मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। तो जब ब्रिटेन वुड सिस्टम ख़त्म हुआ, तो हम जो अभी आजमा रहे हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम, वही उस समय लागू हुआ था। तो वो है कहता क्या है, वो एक्चुअली ये तीनों का लगभग लगभग एक समअप है, एक एड ऑन है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग प्रेजेंट इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम में है, वो ये भी कहता है कि एक कंट्री को गोल्ड रिजर्व रखना ज़रूरी है जितना वो ये करेंसी प्रिंट कर रहा है। अनलाइक जिम्बाब्वे जिसने बहुत सारा करेंसी प्रिंट कर दिया था, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, उसका करेंसी को बैन कर दिया गया। तो इसलिए गोल्ड प्रेजेंट IMS के मुताबिक गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स एक गोल्ड रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के लिए। दूसरा है इंटरवॉर पीरियड में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो तीसरा जो ब्रिटेन वुड सिस्टम में था कि यूएस डॉलर्स के हिसाब से जो यूएस ने बांटा था कि एक करेंसी का इतना रेशियो होगा अपने एक डॉलर के हिसाब से, तो वो भी हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो अभी का इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम चल रहा है एक्चुअली वो एक मिक्सअप है ये तीनों का जो हमने अभी तक देखा। तो 1875 से जो गोल्ड स्टैंडर्ड शुरू हुआ था वो यहाँ पे आके, मतलब कि 1975 से लेके प्रेजेंट तक चल रहा है। तो यही है हमारा इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे अच्छे से लिखें, चारों पहले लिखें और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करें आराम अपने शब्दों में। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको थ्योरी नीचे अभी लिंक में दिया हुआ है मैंने, अब मैं आपको लेके जाऊंगा अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि आप देख सकें वो थ्योरी पार्ट जो कि आपको असाइनमेंट या फिर थ्योरी रट करके एग्ज़ाम में लिखने में बहुत मदद करती है। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक स्टडी प्रैक्टिकली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि ये तो अभी खाली आपको मेरे स्टडी टॉपिक्स दिख रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो जब आप इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको ये सब इतने सारे वेबसाइट्स मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, लिंक्स मिलेंगे, जिसमें से मैंने आपको बेस्ट दिया हुआ है science direct.com का ये लिंक है, मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, आप इसे एक बार जाके पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है जिससे कि आपको थ्योरी में मदद मिले। एक एक चीज़ है इसमें, ब्रेटन वुड्स भी है, गोल्ड भी है और कंक्लूजन तक है। और इसके साथ मैंने आपको नीचे ये भी लिंक दिया हुआ है एक PPT का, स्लाइड शेयर का, तो आप इसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी आपको पूरा थ्योरी और PPT बहुत अच्छा बनाया हुआ है इसमें डेटा के साथ, तो ये आपको पूरा मदद कर सकता है। जैसे कि आप इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ये इंटरवॉर पीरियड हो गया, और उसके आगे आपका आ जाता है ब्रिटेन वर्ड सिस्टम, और जो अभी तक प्रेजेंट मॉनिटरी सिस्टम चल रहा है वो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक्स आप नीचे पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगा, और मैं दोबारा बोल दूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।